हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेज़न कुर्ता सेट हॉल वीडियो। एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल है बिकॉज कॉटन का फैब्रिक है सभी का, और गर्मी में बहुत ही अच्छा रहता है कॉटन का फैब्रिक, आप सभी को पता होगा। तो ये हॉल वीडियो आप लोगों की डिमांड पे, तो वही कलेक्शन लेके आई हूँ। और मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। गिव अवे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एंड पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है। इसका जो कलर है लाइट ग्रीन एंड येलो बेस पे है, तो बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। काफी अच्छी डिजाइनिंग हो रही है इस पे, ऑल ओवर सारे में आपको पूरे में प्रिंटिंग मिल जाती है। एंड नेक एरिया पे आपको हल्का सा थ्रेड वर्क मिल जाता है, प्लस सीक्वेंस भी लगी हुई है जो बहुत ही परफेक्ट लग रही है एंड एकदम ऑसम लुक दे रही है। डेली वेयर के हिसाब से, लाइक ऑफिस में पहनना है आपको या फिर कहीं पे जाना है तो पहनना है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, कंफर्टेबल रहने वाला है। एंड 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी इसमें आपको, पीछे से ऑल ओवर प्रिंटिंग है। तो ये पीस सिंपल एंड सोबर सा है, इसमें कोई भी ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, तो आप आराम से इसको घर में पहन सकते हैं या फिर अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो भी आप इसको आराम से डाल सकते हैं। और इसके साथ आपको मिल जाती है पैंट, कंट्रास्टिंग में ये पैंट मिल जाती है, हल्की सी बादामी टच पे है एंड रेड एंड लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन जा रहा है। इलास्टिक वेस्ट बैंड है, कॉटन का फैब्रिक है। यहाँ पर आपको एक मिल जाती है पॉकेट, ये पॉकेट दी गई है, और नीचे नॉर्मल हेमलाइन दे दिया गया है। तो जो ये पैंट सेट है होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं एंड थोड़ा सा अच्छा सा लुक देते हैं। इसके साथ आपको मिल जाता है दुपट्टा, ये आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, अच्छी खासी है, छोटा नहीं है एंड लेंथ भी अच्छी दी गई है। बीच में आपको ये डिज़ाइनिंग मिल जाती है, लाइट कलर बेस पे है, तो बहुत ही परफेक्ट लुक दे रहा है और काफ़ी अच्छा कंट्रास्टिंग में है, तो एकदम परफेक्ट लगेगा ये। तो गर्मी के हिसाब से एकदम परफेक्ट पीस है और इसको आप आराम से डेली वेयर में पहन सकते हैं या लाइट सी पार्टीज वगैरह में पहन सकते हैं, तो एकदम परफेक्ट लगेगा। ये है ओ मास्क जयपुर का, इसका साइज है एल एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। Treat me right, your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? द नेक्स्ट पीस है ये, एंड ये है वाइट बेस के साथ, वाइट ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है जो एकदम सूदिंग सा कलर कॉम्बिनेशन टोन है इसकी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है, कॉटन का फैब्रिक है, प्लस यहाँ पे आपको एक वी नेक मिल जाता है बहुत ही अच्छा। एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक पैंट का जो फैब्रिक है उसका यहाँ पे दिया गया है, और प्लस यहाँ पे लेस की डिटेलिंग दी गई है साइड्स में एंड बहुत सुंदर लुक दे रही है। सिंपल एंड सोबर सा है, कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं है, बट फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इसकी स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स पे इस तरह का पैटर्न मिल जाता है, पीछे से ऑल ओवर प्रिंटिंग है, काफ लेंथ कुर्ता है, और इसके साथ आपको मिल जाती है ये पैंट, सेमी इलास्टिक वेस्टबैंड है, दोनों साइड्स में पॉकेट दी गई है जिसमें आप आराम से अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। पैंट का भी कॉटन का फैब्रिक है एंड नीचे आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है जो एकदम परफेक्ट लग रहा है। प्रिंटेड कुर्ता है तो बहुत सुंदर लुक दे रहा है, एंड प्लस इसमें आपको मिल जाता है ये प्लेन मलमल का दुपट्टा ब्लूइश टोन पे, एंड बहुत सुंदर लग रहा है, लेंथ वाइज विड्थ वाइज परफेक्ट है। एंड यहाँ पे पीकू भी हुई हुई है, प्लस यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेसल मिल जाता है जो आपके कुर्ते का फैब्रिक है, बहुत सुंदर लुक है। ये है जयपुर कुर्ती का, जयपुर कुर्ती के अच्छे निकलते हैं, इसका साइज है एल एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी।
देन नेक्स्ट है ये, एंड ये भी बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन टोन है, ऑरेंज कलर का है प्लस इसमें व्हाइट के साथ लुक दिया गया है। ऑरेंज पे व्हाइट एंड बादामी से प्रिंटिंग हो रही है, फ्लावर डिजाइनिंग है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे वी नेक मिल जाता है तो वी नेक पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसके साथ आप आराम से पर्ल की ज्वेलरी एक्सेसराइज कर सकते हैं जो बहुत ही फंटेस्टिक लुक देगी इसके ऊपर। एंड 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स पे कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाता है एंड पीछे से आपको इस तरह की डिजाइनिंग मिल जाती है ऑल ओवर। इसके साथ आपको मिलता है पैंट, लास्टिक वेस्टबैंड दी गई है, व्हाइट में कंट्रास्टिंग में पैंट दी गई है, ऑरेंज और हल्का सा वही बादामी टच वाले रंग पे इसमें प्रिंटिंग हो रही है ऑल ओवर। कॉटन का फैब्रिक है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये इसकी नॉर्मल सी हेमलाइन है, तो ये भी बहुत ही अच्छा पीस लग रहा है। एंड प्लस इसके साथ आपको मलमल का ये दुपट्टा मिल जाता है, ये देखिए इस तरह की इसमें डिजाइनिंग है, साथ में यहाँ पे ये बॉर्डर मिल जाता है, विड्थ एंड लेंथ अच्छी परफेक्ट है, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा पीस लगा, लाइक कैजुअल वेयर के लिए परफेक्ट है। कलर टोन बहुत अच्छा है तो आप इसको आराम से पहन सकते हो। एंड ये है तस्वीका का, एंड इसका साइज है L, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट पीस है ये, एंड ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है बट बहुत सुंदर लुक दे रहा है। ये है नेवी ब्लू कलर का, थोड़ा सा डार्कर टोन जिनको पसंद है उनके हिसाब से, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप समर्स में खाली लाइटर शेड्स ही पहनो, डार्क भी बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक शाम को अगर आप वियर अप कर रहे हो तो बहुत सुंदर लुक देता है। ये है नेवी ब्लू कलर का, इसके साथ हल्की सी स्काई ब्लू की टच जा रहा है एंड परफेक्ट है। नॉच नेक दिया गया है, नेक पे बैंड वाला फैब्रिक लगा हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहा है, प्लस यहाँ पे गोटा पट्टी की डिटेलिंग दी गई है, जिगजैग वाला बटन है, योक एरिया एकदम परफेक्ट लुक दे रहा है। एंड यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है जिसमें टेसल डिटेलिंग हो रही है, थोड़ा सा ही टेसल है, एंड इससे कुछ खास उम्मीदें भी मत रखिएगा कि ज़्यादा टाइम तक बचेगा, बिकॉज अगर आप हैंड वॉश करते हैं फिर भी थोड़े टाइम तक रहेगा, बट अगर आप इसको मशीन वॉश करते हैं तो जल्दी ही डैमेज हो जाती हैं ये चीज़ें। एंड पीछे से आप देखोगे तो कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग है, फैब्रिक इसका कॉटन का है। देन इसके साथ आपको मिलती है ये पैंट, स्ट्राइप्स वाला पैटर्न दिया गया है, सेमी इलास्टिक वेस्टबैंड है, एडजस्टेबल ड्रॉ स्ट्रिंग दी गई है, एंड एक साइड में आपको उसकी पॉकेट मिल जाती है, नीचे आपको ये हल्का सा स्लीट मिल जाता है, बहुत ही छोटा सा जो बहुत सुंदर लगता है। एंड इसको आप लाइट से पार्टीज में भी वियर अप कर सकते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। ये इसके साथ दिया गया है मलमल का दुपट्टा, दुपट्टे का भी कुछ डिफरेंट सा ही पैटर्न है जो बहुत सुंदर लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको प्लेन मिलता है, देन यहाँ पे आपको इस तरह की प्रिंटिंग मिल जाती है, एंड देन आपको ये डिज़ाइनिंग मिल जाती है। तो इसके भी डिफरेंट से तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हो, लाइक कभी आपने इधर की साइड से लिया तो एक प्लेन सा लुक आएगा, बट अगर आपने कभी इधर की साइड से लिया तो थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक आएगा, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। एंड विड्थ एंड लेंथ परफेक्ट है दुपट्टे की, यहाँ पे आपको इस तरह की लेस भी मिल जाती है गोटा पट्टी की, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है समन्वय का, इसका साइज है L, एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। Can I take you there?
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा वो है ये बेल्ट। एंड आप लोगों ने बहुत पूछी थी क्योंकि मैंने एक ऑरेलिया के आई थिंक ऑरेलिया का कुर्ता था उसके साथ वियर अप करी थी, उसको एज अ ड्रेस वियर करा था, और एक मैंने अपना साड़ी का जो लुक बुक दिखाया था उसमें वियर करी थी साड़ी के साथ। तो ये वो वाली बेल्ट है एंड ये बहुत ही सुंदर है, अफोर्डेबल प्राइस में है, लाइक 350 के आसपास की होगी, बाकी एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो ये गोल्डन टोन में है एंड यहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छी प्यारी सी बो मिल जाती है जिसमें स्टोन वर्क हो रहा है यहाँ पे, एंड ये स्प्रिंग वाले लुक में है तो ये एडजस्टेबल है, जितनी आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग ये खुल जाएगा बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस तरह से ये हुकअप दिया हुआ है तो ये इस तरह से टाइप हो जाती है एंड परफेक्ट लुक देती है, लाइक इसको आप अपने ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, सूट्स के साथ वेयर कर सकते हैं, साड़ीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं, तो एकदम ऑसम सा लुक देती है एंड परफेक्ट लगता है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ऐसी इतनी ज़्यादा टाइट भी नहीं लगती है कि बहुत ज़्यादा टाइट टाइट सा लगे, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो इसके बारे में भी आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ चुकी थी तो इस बार मैंने इस हॉल वीडियो में इंक्लूड कर लिया इसको एंड ये परफेक्ट है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो, आराम से आप ले सकते हो और किसी भी ड्रेस में अपने चार चांद लगा सकते हो एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स ये जो मैंने वियर करा हुआ है ये मीशो का ही कुर्ता है एंड इसका हॉल वीडियो बहुत पहले आ चुका था एंड इसका आफ्टर वॉश भी आ चुका है, तो आपको मेरे चैनल पे दोनों ही चीजें मिल जाएंगी इसकी। एंड ये मैंने उठा के रख दिया था अभी रिसेंटली, थोड़ा मैंने निकाला तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने इसको पहना एंड ये कंफर्टेबल है, रेयन का फैब्रिक है। तो इसकी हॉल वीडियो अगर आपको देखनी होगी तो आप मीशो की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं ये पूरा सेट है विद नेकलेस, तो मैं आपको नेकलेस भी दिखा देती हूँ बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन आएंगे फिर कि नेकलेस बताइए कौन से वीडियो में दिखाया था वो बता दीजिए, तो मैं यहीं पे आपको दिखा भी देती हूँ तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड ये बहुत ही परफेक्ट है, ये टिबेटन डिजाइन वाला है, बहुत सुंदर लगता है, इसको आप शर्ट्स वगैरह के साथ पेयर कर सकते हैं, इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ स्पेशली, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, बाकी आप इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी मुझे कुछ लाइट सा पहनना था जस्ट मैंने इसकी इयररिंग्स पहन लिए, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अमेजन हॉल वीडियो एंड ये कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, घर पे रहिए सेफ रहिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है ये, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, ट्रायल शूट्स डालती रहती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी जल्दी अपडेट आ जाता है, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा एंड वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।